वेलकम टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी एक साल से तो शायद रिक्वेस्टेड है ही है। सो आज की वीडियो में यस आप लोगों ने जो सोच के ये वीडियो को क्लिक किया है, मैं वही शेयर करने वाली हूँ, मेरा मेकअप कलेक्शन। सो किसी किसी के लिए ये जो मेकअप कलेक्शन है बहुत ज़्यादा हो सकता है, और किसी किसी के लिए ये मेकअप कलेक्शन बहुत कम हो सकता है ना। तो ये भी अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है, अपनी अपनी सोच के ऊपर है। मेरे लिए ये इनफ से ज़्यादा है। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने ये मेकअप का स्टार्ट किया है या यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, पहले इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, जितने ऑफ़र है उतना ले लूँ, और मैं सारी चीज़ें लिया भी करती थी। अगर आप मेरा सबसे पहला मेकअप वीडियो देखोगे, जो कि यहाँ पे होगा, मैंने दो तीन किए हैं। सबसे शुरुआत में मेरे पास कुछ नहीं था, जो कि ये वाला है, एंड उसके बाद में फिर ये वाला है, एंड उसके बाद में फिर ये है, और शायद मैंने एक और किया है तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ बोलो, या मेरे मेकअप वैनिटी में ये सारी चीज़ें ऐड हुई। फिर अभी मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि 10 फाउंडेशन रख कर, मतलब क्वांटिटी में प्रोडक्ट रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 10 फाउंडेशन यूज़ कितने लोगों को करना है वो मैटर करता है। तो मैं अकेली 10 फाउंडेशन कैसे यूज़ करूँगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो मेकअप क्रिएटर होते हैं या ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको ज़रूरत होती है, कभी उनको ये ब्रांड का प्रोडक्ट दिखाना है, कभी वो ब्रांड का दिखाना है, बट मैंने अभी इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है। प्रीवियस वाला वीडियो देखोगे तो उससे कम प्रोडक्ट्स है, फाउंडेशन, आई शेडो पैलेट, मैंने सारे प्रोडक्ट्स छाट लिए हैं, एंड मैंने बहुत ज़्यादा जितने चाहिए, जितने वीडियोस के लिए लगते हैं या नॉर्मली मैं यूज़ कर पाऊँ, मैंने उतने ही प्रोडक्ट रखे हैं। हो सकता है कम हो सकता है किसी के लिए ज़्यादा हो। प्लीज़ कोई निगेटिव कमेंट मत करना, बस ये वीडियो को इन्जॉय करना, और अगर आपको कोई निगेटिव कमेंट करना है तो प्लीज़ ये वीडियो देखो ही मत। खैर, अगर आप चैनल पर नए हो, एंड मुझे पता है कि आज मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा नए नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, जो मेरे शॉर्ट वीडियो से भी आए हैं। सो हाई गाइज, माई नेम इज़ सिमरन, और मैं ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मेकअप, व्लॉग्स स्पेशली, ये सारे कैटेगरी में वीडियोस बनाती हूँ। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा हैंडल है अंजली स्टार, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम अंजली है, मेरा नाम सिमरन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं बता दूँ आपको, अभी हमने नए घर में शिफ्ट किया है, तो पहले वाला प्लीज़ आप वो वाले भी देखना। अगर मैं ना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आप देख पाओ कि मैंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, एंड अभी हमारे पास में क्या है, और आप आगे भी मेरी जर्नी का पार्ट बनिए। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे मेकअप कलेक्शन देखने के लिए। एंड गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि मुझे ये मेकअप वैनिटी टूर बोलो या फिर मेकअप कलेक्शन शेयर करना था, इसके लिए मैंने कुछ साफ सफाई नहीं की है, जो जैसा है वैसा ही पड़ा है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम थे, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। बस जो है जैसा है मैं वैसे ही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमें प्रोडक्ट देखने से मतलब है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस वाला ट्रे देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर में ना मेरी सारी की सारी ज्वेलरी है। सो मैंने बोला था कभी कि मैं दिखाऊंगी करके, बट मैंने नहीं दिखाया ज्वेलरी कलेक्शन, बट इसमें मेरी सारी ज्वेलरी है। यहाँ पे मेरी पूरी LLB की बुक्स रखी हुई है। इसके बाद में आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा आंवला जूस है, जो मैं आजकल कंज्यूम कर रही हूँ, एंड काफ़ी बेनिफिशियल है, विटामिन सी है। मैं यहाँ पे ज़्यादा भाषण नहीं दूंगी, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। नाउ चलिए ये देखिए, ये माइसलव वाटर है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने वो प्रोडक्ट्स रखे हैं जो मुझे फटाफट से ख़त्म करने हैं, है ना, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट एक्सपायरी के नज़दीक आ जाते हैं और पता भी नहीं चलता है, पर ये ख़त्म करना है, पर मैं कर नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ये माइसलव वाटर है, देन यहाँ पे ये फुट क्रीम है, एंड देन ये वेस्टर्न ग्लो का एलोवेरा जेल है, देन उसके बाद में ये मैट्रिक्स का टीम है, देन ये लॉरियल पेरिस का रिवाइटल लिफ्ट माइक्रो एसेंस है, जो अब तक इतना ही खत्म हुआ है यार, तो ये जल्दी जल्दी खत्म करना है। देन ये जो है वाओ का 10-in-1 मिराकल जो भी है ऑयल है, देन ये मैट्रिक्स का मेरा जो है सीरम है, फेस सीरम है, सॉरी हेयर सीरम है, तो इसको भी देखो इतना ही यूज़ किया है, मैं लगा लेती हूँ इसको भी। एंड ये जो है ये वन ऑफ माय फेवरेट फेस वॉश है, तो ये थोड़ा सा बचा है, इसको भी मुझे जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए यहाँ रखा है, सो दैट ये एक्सपायर ना हो। एंड ये ओजीवा का
इनर ग्लो स्किन ब्राइटनिंग फेस सीरम है। इसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आजकल यूज़ नहीं कर रही हूँ। बट अच्छा लगा था प्रोडक्ट, पर स्मेल नहीं पसंद है। पर ये यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट जो ख़त्म करने हैं वो है। देन यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है, ये एलोवेरा अश्वगंधा जेल, फिर उसके बाद में ये मामाअर्थ का फेस वॉश, यहाँ पे फेस वॉश बहुत सारे दिख जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा फेस स्क्रब। और आप यकीन नहीं करोगे, अभी मैंने 1 या 2 महीने पहले ही वीडियो बनाया है और ये सिर्फ इतना बचा है, मतलब फेस स्क्रब तक है, क्योंकि हम अकेले यूज नहीं करते हैं, दीदी मैं मम्मी सब भाभी का भी यूज कर ले, हमारे प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं। सो एलोवेरा का ये फेस वॉश है, तो यहाँ पे आपको फेस वॉश वगैरह दिख जाएंगे। देन उसके बाद में ये जो है लोटस का फेस वॉश है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए इसका रिव्यू नहीं किया मैंने, और मैंने ब्रांड को सीधा ही मना कर दिया कि मुझे नहीं पसंद आया। देन ये लॉजेरा का है स्क्रब, जो इसको यूज़ किया है मैंने, वीडियो में भी शेयर किया है। देन इसके बाद में ये वेट सेफ का, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, मेकअप से रिलेटेड नहीं है। देन ये हेयर ऑयल है, एंड ये इतना कितना थोड़ा सा बचा है जो कि सबको यूज़ करना है। देन वी हैव दिस वाव का विटामिन सी सीरम, जो स्पेशली मैंने मम्मी को बोला है कि लगाओ, पर मेरी मम्मी लगाती नहीं है। देन वी हैव दिस क्यूट सा पाउच, बोलो क्या बोलते हैं इसको, जो मैंने कहाँ से लिया था, अगर आप मेरे पहले सब्सक्राइबर होंगे, पहले से व्यूवर्स हो, तो आपको याद होगा ये मैंने कहाँ से लिया है। नाउ वी हैव दिस मिठाई का डब्बा, जिसके अंदर में मैं अपने सारे के सारे जो है ना, प्लीज़ इग्नोर माई हेयर ग्रोथ, क्योंकि अब नहीं करती हूँ यार, मैं बहुत लाल हूँ इन चीज़ों में। मेरे जो भी है हेयर बैंड और पिन, और समझ गए ना, यू पिन वगैरह जो भी है। उसके बाद में ये जो है, मैं इसके पहले भी मैं ऐसे ही रखती थी और अभी भी मैं ऐसे ही रखती हूँ, मेकअप ब्रशेस। तो ये देखो, अगर मैं इसको खुला रखती ना, तो अब तक ये पूरे गंदे हो गए होते, बट इसको मैंने धो के रखा था एंड ये गंदे नहीं हुए, इसीलिए नहीं हुए क्योंकि मैंने इसको झाँक के रखा है। एंड देन यहाँ पे कुछ रैंडम स्टफ है, मेरा कैमरा जो है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई बताओ, चार्ज हो रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं मेरा कौन सा कैमरा है, तो ये है जो सोनी का हैंडीकैम है, पर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर फ़ोन से ही शूट करती हूँ। आप पे ना बस आपको यही चीज़ मिलेगा जो कि मतलब है ना, मतलब वीकली हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा ऐसे मेकअप वेकअप का चीज़ नहीं है। यहाँ पे बड़ी सी विंडो मिल जाएंगी, एंड यहाँ पे हूँ मैं, हेलो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि फैन ऑफ करके बैठी हूँ मैं। नाउ यहाँ पे आपको जो है मेरा मेकअप का जो है ड्रॉर मिल जाएगा। मैंने कोई ऐसा फैंसी ड्रॉर वगैरह बनवाया नहीं है यार, क्योंकि अपना घर में इतनी जगह भी नहीं है और मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती अभी फिलहाल। अगर अच्छा चला कभी तो ना, मेरी इच्छा तो है पर अभी नहीं। खैर, मैं बहुत ज़्यादा भाषण दे रही हूँ। तो ये जो है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ये मैंने अमेजोन से बाय किया था, एंड 1500 समथिंग में मैंने कुछ बाय किया था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो आपको ये 5 इसका ड्रॉर मिल जाता है। तो इसके ऊपर वाले साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा पॉन्ड्स। तो पॉन्ड्स तो है यहाँ पे, बहुत कम लगाती हूँ, पर कभी कभार मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना रहा ना, तो सीधा पॉन्ड्स लगा लेती हूँ। ये फेयर एंड लवली, प्लीज़, ये मेरी नहीं है अब, ये फेयर एंड लवली नहीं रहा, वैसे ग्लो एंड लवली हो गया है। देन वी हैव दिस अंडर आई क्रीम, जो कि वाव की है, जो मैंने शॉर्ट में यूज़ किया था, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था, ये ग्रीन टी वाला उनका रेंज है। देन यहाँ पे है बायोडर्मा का माइसलव वाटर, ये काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं करता है स्किन को। एंड ये जो है मैं रोज़ लगाती हूँ, जो कि है ये सेंसी बायो रेंज का टोनर। देन मैं लगाती हूँ ये मामा अर्थ का एलोवेरा सनस्क्रीन फेस सीरम, जो कि ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, ये देखो फिनिश हो गया है, अब मुझे टेंशन आ रहा है, अब मुझे खरीदना पड़ेगा दूसरा। देन उसके बाद में ये लोटस की ऑर्गेनिक प्लस है, जो अभी मैं फिलहाल यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको पूरा फिनिश किया है, और वैसलीन है, और यहाँ पे मेरे बाल है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे बाल जो है ना हेयर लॉस हो रहा है। नाउ इसके बाद में ये फर्स्ट ड्रॉर पे आपको देखने मिलेगा ये, तो लेट मी ओके डू दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे अपना जो है ना डाय छुपा के रखा है, तो इसको साइड में रख देते हैं। नाउ नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मेरा जो फोन का जो डब्बे थे यार, अब जैसे मैं फटाफट से बोल दे रही हूँ क्योंकि मुझे और भी वीडियोस बनाने हैं, तो जो मेरे फ़ोन का जो था ना डब्बा, मैंने उसी को इस स्टेप से ऑर्गेनाइज कर लिया है, ज़्यादा कुछ मेरे पास में है नहीं। तो अगर आप लोगों को दिखने मिलेगा, तो ये लिपस्टिक्स जो है NYB की लिपस्टिक्स है, ये काफ़ी पुरानी लिपस्टिक्स हैं, बट मैंने रखा है यार, मैंने पैसे दिए हैं, मैं रखूँगी, मैं कुछ ना कुछ करूँगी। एंड देन ये जो है इनसाइड कॉस्मेटिक की ये लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक है। देन उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ देखोगे, तो यहाँ पे ये माई ग्लैम की ये लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छी है, बट ये ना
थोड़ा सा ग्लॉसी लिपस्टिक है। देन वी हैव दिस शुगर के क्रेयॉन जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे। देन ये माइग्लैम की ये वाली जो लिपस्टिक है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो नाइन इसका एक्चुअल प्राइस एक्चुअली 399 और 299 रुपीज़ है, बट ये 99 में मिल जाती है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद में ये मैंने मार्स कॉस्मेटिक का वन ब्रांड के लिए वीडियो, वन ब्रांड का वीडियो बनाने का सोचा था, तो मैंने ये लिया था, बट ये कलर बहुत ज़्यादा वॉश ऑफ करता है। ये डार्लिंग इसाबेला की लिपस्टिक अगर आपको याद होगी तो मैंने कितनी ज़्यादा यूज़ किया है। देन वी हैव दिस ब्लू हेवन का, ये भी लगाती हूँ मैं, एंड देन इनसाइड का है, और एम्स्टरडेम की है, ये शुगर की और लिपस्टिक है। एक्चुअली शुगर का मेरे पास में चार क्रेयॉन है और चार लिपस्टिक है। ये जो है ये भी एम्स्टरडेम की ही लिपस्टिक है। तो लिपस्टिक का बस इतना ही है इसमें से, तो मैं सच बताऊँ तो सिर्फ मैं एक ही कलर लगाती हूँ, मतलब एक या दो, उसके ऊपर नहीं लगाती हूँ, तो सब वेस्टेज है। देन उसके बाद में ये इबा कॉस्मेटिक का मस्ट हैव एवरीडे लिप एंड चिक टिंट है, जो कि शेड आप लोग देख सकते हैं टाइमलेस स्मोक का, एंड मैं इसको कितना लगाया है आप लोगों को तो पता ही है। देन मैंने ना पहले क्या करती थी कि मैं ना ये कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर जो है ना ये करके रखती थी, स्टॉक करके रखती थी, पर अब मैंने नहीं, ये सब बंद कर दिया है। ये मार्स का बनाना लूज पाउडर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन मेरे पास में ना ये क्या बोलते हैं इसको, शुगर का लूज पाउडर है, ट्रांसल्यूशन पाउडर, पर अब ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा खरीद के रखने की ज़रूरत नहीं थी ना। अब ये इसको साइड में रखते हैं क्योंकि उसको मुझे फेंकना है। देन ये जो है बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने इसको प्रमोट किया था, ये मैंने इतने सालों के बाद में अभी अभी लिया था, जो कि है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, और ठीक है, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों वो भी बताती हूँ। फिर उसके बाद में ये मेरी बहुत ही अरमान था, क्योंकि पहले मेरे पास में शुगर कॉन्टोर पैलेट वगैरह नहीं था, तो देख लो मैंने इसमें पैन भी हिट किया है, दो इसमें मैंने पैन हिट किया है, ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गया है। एंड ये देखो इसका हाइलाइटर, देखो इसमें पूरा का पूरा हाइलाइटर है, तो हाइलाइटर ना मोर देन वन हाइलाइटर में तो बिल्कुल स्पेंड नहीं करना चाहिए। देन ये जो है ब्लू हेवन के बिल्कुल नहीं पुराते हैं, ये जो ब्लशेज है ये बिल्कुल नहीं पुराता है, नहीं लेने का। देन उसके बाद में मेरे पास में शुगर के और दो जो है, क्या है ये देख लो, ये जो है ये भी ब्लश है, एंड आई होप कि ये हाइलाइटर ना हो यार, नहीं ये, यस ये भी ब्लश है। देन उसके बाद में मैंने इसको कितना यूज़ किया है, स्विस ब्यूटी का ये पर्ल इल्यूमिनेटर। अगर आपको किसी भी चीज़ की लिंक लगेगी ना, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन, जब आप कमेंट करोगे तो अगर आपको कोई चीज़ लेनी होगी तो मुझे बताना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करूंगी, पर तभी करूंगी क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स की लिंक मैं ऐसे ढूंढ ढूंढ के नहीं निकाल सकती, तो जब कोई कमेंट करेगा तो मैं कर दूंगी। सो ये 01 गोल्डन पिंक कलर है, ये बहुत अच्छा है, बहुत यूज़ किया है मैंने। निशा मेहंदी को, निशा दीदी को बाहर रख देते हैं, मतलब अंदर रख देते हैं। देन येलो के बाद में ना पिंक वाला रखा है, एंड पिंक वाले पे ही कपड़ा क्यों है, हाँ पूछने के लिए। सो देखो मेरे जो फाउंडेशन की क्या हाल है, मेरे पास में ज़्यादा फाउंडेशन नहीं है अभी, बट मैं बता देती हूँ कौन से है। ओ शिट, सो लुक दिस इज़ वन ऑफ माई महंगा वाला फाउंडेशन, एक्सपेंसिव फाउंडेशन, जो कि 999 का रिटेल करता है। या आई नो किसी किसी के लिए ये बहुत सस्ता हो सकता है, बट ये मैंने बहुत मेहनत से लिया था। आई हैव दिस लॉरियल पेरिस के इनफेलिएबल प्रो मैट फाउंडेशन, तो इस पे लिखा है भाई साहब कि प्रो मैट है, इट मीन्स कि ये सच में प्रो मैट ही है। ये सुपर ड्राई कर देते हैं स्किन को, जब मेरा ऑयली स्किन था काफ़ी अच्छा सूट करता था, 108 107 काफ़ी अच्छे से जाता था, बट अगर आपका स्किन ऑयली नहीं है तो मत लेना, बहुत ही ज्यादा ड्राइंग कर देगा आपकी स्किन को। देन अभी देखो ये इतना यूज किया हुआ है ना, इसलिए इसकी हालत ये है। देन ये जो है मेरा फुल कवरेज फाउंडेशन है, और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि 9वें महीने में इसका एक्सपायरी हो जाएगा, तो आई थिंक इसको भी मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म करना चाहिए। पहले मैंने बहुत ज़्यादा ही फाउंडेशन रखा था, बट अब मैंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें कर दी हैं। आप मेरा पहले वाले वीडियोज याद से जाके देखना। देन इसके बाद में लैक्मे का 925 प्राइमर मैट फाउंडेशन। देन उसके बाद मेरे पास में है ये ईबा का मस्ट हैव वाटर प्रूफ लिक्विड फाउंडेशन। देन वी हैव दिस घटिया सा ब्लू हेवन का बहुत ही बेकार सा फाउंडेशन। देन ये भी बेकार सा फाउंडेशन, जो कि मैंने बताया है कि ये बहुत बेकार है, वीडियो के लिए जब हम ले लेते हैं ना तो फिर उसके बाद में फिर रिग्रेट भी होता है, फिर उसमें मेरे पैसे वेस्ट हो गए वैसे। इसके बाद में ये इनसाइड का अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन फाउंडेशन, ये जैसा बोला है ना सेकेंड स्किन, ये वैसा ही है, इसकी कोई कवरेज नहीं है, बट ठीक है, डिसेंट है।
यहाँ पे ज़्यादा मैं साफ सफाई नहीं करती हूँ। और ये एक है जो कि है स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर पैलेट्स, तो ये मुझे ऐसा लगता है ये ऐसे पैलेट्स ना मेकअप आर्टिस्ट ने लेने चाहिए, क्योंकि मैं इतना कहाँ लगाती हूँ यार, पर ले लिया था तब समझता नहीं था तो ले लिया। देन वी हैव दिस मार्स का ये वाला प्रोडक्ट जो मैंने मेकअप वीडियो में शेयर भी किया है, इसमें प्राइमर भी है और कंसीलर भी है, बट प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं है। देन ये खाली सा है। देन यहाँ पे देखो NYBA के मैंने कितने पहले जो स्टिक्स लिए थे ये अभी भी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अभी तो पता नहीं कैसे इनकी पैकेजिंग है। कंसीलर की बात करूँ तो मेरे पास में ये जो है 1 2 3 4 5 5 कंसीलर्स हैं। एंड देन उसके बाद में ये जो है इनसाइड का कंसीलर है। देन ये शुगर का कंसीलर है, सुपर ड्राई कंसीलर है और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। ये मार्स का बहुत ही बेकार सा कंसीलर है, वो तो बहुत ही सुपर ड्राई है। एंड ये भी एक है मेबलिन का एज रिवाइन इरेजर कंसीलर, वो भी मुझे पसंद नहीं है। देन ये जो है लैक्मे की 925 CC क्रीम, ये तक के मुझे पसंद नहीं है। की बात करें तो मेरे पास में सिर्फ 2 मेकअप फिक्सर है जो कि मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर रखा है। ये जो है ना ये फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर है एंड दिस वन इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख़त्म किया है। और जब भी मैं कोई चीज़ अपनी प्रोडक्ट की ख़त्म करती हूँ ना, या मेकअप प्रोडक्ट ख़त्म करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ भाई मैंने अपने पैसा वसूल कर लिया। नहीं, ये मैंने ऐसे ही लिया था, पता नहीं ये द फैशन फैक्ट्री का ऐसे ही लोकल स्टोर से ले लिया था, पर मैंने रखा है, पैसे से लिया था ना। देन उसके बाद में ये इनसाइड की डुओ स्टिक है जिसमें हाइलाइटर भी है एंड कॉन्टोर भी है। अब आप बताओ इतना ज़्यादा अमाउंट का हाइलाइटर हम रोज़ नहीं लगाते, फाउंडेशन तो भी ख़त्म हो सकता है, पर ये हाइलाइटर भाई कब ख़त्म होगा, इसलिए मोर देन वन हाइलाइटर बिल्कुल मतलब। देन उसके बाद में मैंने सोचा था कि मैं वन ब्रांड मेकअप लुक करूंगी, तो इसलिए मैंने ये मेबलिन का ले लिया यार, समझ गए ना आप लोग। देन उसके बाद में ये लैक्मे का एब्सोल्यूट टेस्टर है, ये जो है मुझे मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया था तब मुझे फ्री मिला था। देन ब्लू हेवन का प्राइमर है। देन उसके बाद में फेसेस कैनेडा का ऑल टाइम प्रो प्राइमर है, ये ना इसमें ऑलरेडी एक टिंट आता है तो ये कलर करेक्ट भी करता है, काफ़ी अच्छा है। देन इनसाइड का प्राइमर 3-in-1 वाला। देन उसके बाद में ये शुगर का प्राइमर एंड ये जो है शुगर की कुछ साइट्रस वाली स्टिक है। बस ये वाले फोल्डर ये वाले कंपार्टमेंट में आपको इतना ही देखने मिलेगा जिसमें मैंने कुछ खास नहीं करा है यार। देन आपको अगर पर्पल वाले में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चूहे ने अच्छे से खा लिया है, उसने अपना खाने का इंतजाम कर लिया है। देन वी हैव दिस गप के ब्रशेज जिसका मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियो शेयर किया था, रिव्यू बोल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं और मैं इसको इसी के साथ में रखना चाहती थी पैकेजिंग में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसी में रहन दिया। देन वी हैव दिस पैलेट, ये देखिए ये जो है पहले बहुत निकला था SFR का हेटेड विथ लव, तो तब मैंने ये पैलेट लिया था। इसकी काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है, काफ़ी अच्छे हैं। एंड देखो आप लोग कितना यूज़ किया है, कुछ भी यूज़ नहीं किया है, एक दो वीडियो किए हैं बस। तो अगर आप मेकअप में ज़्यादा नहीं होना तो इतने ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट ही मत करो यार, मैं तो सच बोलूँगी। उसके बाद में आई हैव दिस इंचेंटिंग पैलेट जो कि मैंने कफ्स एंड लैशेस का जो है निधि दी का लाइव ज्वाइन किया था, तो ये मुझे गिफ्टेड आया था। क्यों आया था गिफ्टेड? क्योंकि मैं उनका जो एक क्या बोलते हैं कंपटीशन जीती थी, तो ये मुझे गिफ्टेड मिला था। एंड इसमें आपको कॉन्टोर मिल जाएंगे, प्लेस ऑन ग्लिटर्स मिल जाएंगे, तो सब कुछ है, काफ़ी अच्छा पैलेट है वो वैसे। उसके बाद में ये देखो ये स्विस ब्यूटी का जेली आई शेडो मैंने लिया था जो मैंने आज तक के यूज़ ही नहीं किया है, बताओ। अब यहाँ पे फाउंडेशन, यहाँ पे आपको ना ये बहुत कम दिखेंगे। क्यों कम दिखेंगे? क्योंकि मैंने सारे के सारे जो आई शेडो पैलेट से वो छाट दिए हैं। अब ये तो बहुत पुराना है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने सोचा कि कभी किसी इसमें काम आएगा तो इसलिए मैंने इसको रख दिया। काफ़ी अच्छे इसके मेटेलिक शेड्स हैं, ये वो हाईलाइटर है एक्चुअली। देन उसके बाद में आई हैव दिस मार्स का सबना ऐसे पड़ा हुआ है ना, मेरा बहुत दिल दुखता है, पर अब क्या करूँ, कितना यूज़ करूँ ना सेम शेड। तो ये है मार्स का पैलेट और देखो। देन यहाँ पे है ये स्विस ब्यूटी का एक और एक है शायद से ब्लू हेवन का। तो देखो स्विस ब्यूटी के मैंने 6 या 7 कितने तो भी लिए थे और अभी सिर्फ 2 ही बचे हैं, क्योंकि बाकी सारे मैंने सबको दे दिए, क्योंकि यार सुखा कर कोई फ़ायदा नहीं था, बहुत ड्राई हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने लिए है 3 निका के पैलेट जिसका मैंने सोचा था कि मैं रिव्यू करूंगी, बट देखो अभी तक के इसको मैंने स्वॉच तक के नहीं किया है, कब इसका दिन निकलेगा पता नहीं। देन उसके बाद में ये वाला और दूसरा वाला मैंने दीदी को दे दिया है। देन ना ये ऑटम स्पाइस और बर्थडे केक, पता नहीं क्यों ही ले लिया। देन उसके बाद में ये स्विस ब्यूटी का ये पैलेट है, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब अच्छे हैं लुक।
पर देखो अब ये सब देख रही हूँ ना, मुझे याद आ रहा है कि यार ये सब चीज़ें मैंने क्यों यूज़ नहीं करना बंद कर दिया है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। लुक, ये मेरा वेट एंड वाइल्ड का पैलेट जो पहले कितना निकला था यार, इसके काफ़ी अच्छे पिगमेंटेड है। मतलब बहुत ही अच्छा पैलेट है ये बिगनर्स के लिए। माय फर्स्ट पैलेट, फर्स्ट एवर पैलेट जो मैंने लिया था मेकअप करने के लिए रैंडम ऐसे किसी शॉप से, तो इसलिए मैंने इसको संभाल रखा है। उसके बाद में आई हैव दिस शुगर वन एंड इसके अभी पैलेट, ये मैंने वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल के लिए लिया था। तो रुको, ये भी काफ़ी अच्छा पैलेट है, काफ़ी पिगमेंटेड इसके जो कलर्स है काफ़ी पिगमेंटेड है, ठीक है। उसके बाद में ये लैक्मे का जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, धूल पड़ रही है सब पे। उसके बाद में ये मेकअप रेवोल्यूशन का है पैलेट जो कि मैंने क्यों ही लिया था। मैंने तीन पैलेट लिए थे मेकअप रेवोल्यूशन के। ब्रांड्स ना ऐसे ही करते हैं, आप लोगों को ना वो दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, लालच दिखाते हैं, और जो चीज़ आपको नहीं भी चाहिए होती है ना आपको वो चिपका देते। तो ये तीन लिए थे, एक मैंने निशादी को दे दिया है एंड वो कलरफुल वाला उनको दिया है। एंड ये देखो ये दो के दो सारे के सारे क्या करूँ मैं। देन ये जो है ना ये फेक वन है, बट दिखा देती हूँ भाई, आप अंदर क्यों रह रहे हो। देखो कितना अच्छा मिरर भी है बड़ा सा, पहले बहुत निकला था ना, तो ये फेक वाला है, इससे भी मैंने लुक किए है कि इसमें मैंने ना यहाँ पे थोड़े से आई वाले प्रोडक्ट रखे हैं। तो ये मस्कारा है जो मेरा खत्म हो चुका है। देन उसके बाद में ये जो है मार्स का है, ये काफी अच्छा है आईब्रो के लिए। एंड देन ये जो है मेबलिन का कोलोजल वाला मस्कारा, वाटर प्रूफ है, निकलता नहीं है जल्दी। देन ये शुगर के जो है डार्क ब्लैक जेल काजल है या क्या बोलूँ। और ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे यार, अब मैं तो देखो इतने दिनों से देखी भी नहीं हूँ, धूल से ही आपको पता चल रहा होगा ये सारी चीज़ें कैसे पड़ी हुई है। तो ये देखो ये सारे के सारे जो है ना काजल वाले प्रोडक्ट है, मतलब आँखों में लगाने वाले। तो ये आई साइड के प्रोडक्ट्स इस साइड रखी हूँ मैंने। हैव दिस ब्लू ड्रॉअर जिसमें कि थोड़ा मिसलिनियस चीज़ें हैं, बट मैं शो करूँगी आप लोगों को। सो जो कि देखो ये मैंने क्या बोलते हैं इसको, सेट लेके रखा था, तो मैंने ये सारी सेट यहाँ पे ही रख देती हूँ मैं, सो दैट मुझे कभी लगे तो मैं यूज़ कर पाऊँ। देन इसके अंदर में कुछ बर्ड्स है तो वो भी रख लिया है मैंने, काम आती है। देन उसके बाद में ये मेरी वॉच है, देन उसके बाद में वन मोर वॉच, पता नहीं सब डब्बे में रख रख के रखती हूँ और मैं यूज़ नहीं करती हूँ। देन उसके बाद में ये मेरा लैशेस का डब्बा जो कि मैंने, हाँ जो मैंने वीडियो में मैं हर बार पहनती हूँ ना, वो ये सेकंड नंबर की, ऊपर से सेकंड नंबर की ये वाली लैश है, मैं हर बार ये वीडियो में पहनती हूँ। तो मैंने बाकी पूरा जो डब्बा है, ये जो सेट है, ये पूरा दीदी को दिया है, और उसमें से एक जो लैश थी वो मैंने निकाल लिया था जो वो वाली है, और उसके बाद में ये मैंने स्टॉक इन करके रखा था लैश का डब्बा, बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ दिखेगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सारे के सारे लेंसेस है। तो ये सारे के सारे ये जो है अनमा ब्यूटी के लेंसेस है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये सारे के लेंसेस है, इसमें भी लेंस है, इसमें भी लेंस है, इसमें भी लेंस है, इसमें भी, सब में लेंस है, थक गई मैं बोल बोल के। एंड ये थोड़ी सी लेंस किट, एंड देन वी हैव मोर लेंस किट्स, बहुत कुछ है ना, बहुत है, इतना तो मेरे काफ़ी है। देन उसके बाद में ये लेंस सॉल्यूशन है बायोट्रू का, किसी ने मुझे पूछा था तो मैं बता दिया बायोट्रू का है, क्योंकि ना उतना याद नहीं रहता है, ये भी लेंस ही है, दिस वन इज ऑल्सो लेंस। शुगर के मिनी है, और ये देखो ये भी वैसे ही पड़े, इसको तो यूज ही नहीं किया है मैंने। कभी कभी इतना दिमाग खराब होता है ना कि मैं चीज़ें ली ही क्यों थी, जब मुझे समझ नहीं थी ना मैंने तब लिया था। और ये मेरा जो है पहला मेकअप ब्रश का सेट था, तब मैंने इसको लिया था। एंड इसमें ना थोड़ा सा गंदा हो रखा है, बट ये देखो ये वही लैश है जो मैं अभी आपको बात कर रही थी ना, ये वही लैश है। मैं इतने अच्छे से इस डब्बे में इसको संभाल के रखती हूँ लैश को, सो दैट ये मैं इसको रीयूज कर पाऊँ। लुक, मैं इसको इसलिए रीयूज़ कर पाती हूँ क्योंकि मैं इसको संभाल के रखती हूँ। इसमें मेरी लेंस है, एंड ये जो ग्लू है मैंने ये वाला यूज़ किया था, पता नहीं कहाँ से ख़रीदा था, इस पर तो नाम ही नहीं है, बट ख़रीद लिया था मैंने। एंड देन कुछ नहीं, ये भी एक लेंस है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। देन वी हैव एक्चुअली टू परफ्यूम, जो कि एक बॉडी क्यूपिड का लिली एंड स्पाइस वाला है जो कि ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने को आ गया है, और ये मैंने ख़त्म कर लिया है। स्किन बाय टाइटन का, दिस वॉज गिफ्टेड एक्चुअली, एंड मुझे ये मेरा पहला था जो मुझे, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही महंगा सा परफ्यूम था। एंड इसकी जो पैकेजिंग है, मतलब इसकी जो बोतल है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, सो इसलिए मैं इसको रखी हूँ। उसके बाद में ना ये मैंने नेल पेंट लिया था, दो मुझे नेल पेंट लगाना उतना पसंद ही नहीं है, मैं लगाती भी नहीं हूँ, पर कभी कभार लगा लेती हूँ, पर अभी नहीं लगाती हूँ फिलहाल। तो आज सोच रही हूँ लगा लूँ, इतने दिनों से रखा है। ये फेसेस कैनेडा की स्प्लैश वाली नेल पेंट है, काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी क्या, बहुत ही अच्छी है। देन मैंने ये लिया था जो देखो अब मैं देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इस पर वीडियो किया भी था, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लेना।
तो अब सोच रही हूँ ये सब लिया था तो यार वीडियो भी तो बनना चाहिए था पर बना नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे बस यही चीज़ें हैं। इसके बाद में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिसलिनियस चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ DIY वगैरह के लिए जो मैं करती नहीं हूँ, बट मैंने कुछ लास्ट टाइम पे कुछ बनाया था। मेरा फेस दिख रहा है आप लोगों को, इतनी थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, सांस भी फूल रहा था जब मैं बात कर रही थी। कंटिन्यू मैं बात करती तो होता है मेरे साथ में ऐसा कि मेरी सांसें वगैरह फूल जाती है। तो यही था, ये 5 ड्रॉअर में से 3 ड्रॉअर में मेरा मेकअप है, 4th ड्रॉअर में ये लेंसेस वेंसेस ये सारी चीज़ें हैं, एंड 5th ड्रॉअर में मिसलिनियस चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट टाइम पे क्या बोलते हैं मैक्रे में बनाया था, तो उस समय मैंने वो सारी चीज़ें खरीदी थी, वो सारी चीज़ें हैं। और कुछ खास नहीं, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे ये ईयर एंड तक के 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए और मैं बहुत ज़्यादा खुश होगी, बहुत ज़्यादा। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, एंड और वीडियो ज़रूर, अगर आप कुछ और वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई नो उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ना मैं एक्चुअली मेकअप क्या बोलते कलेक्शन वाला वीडियो नहीं करने वाली थी। मैं कितना फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो मैं मेकअप कलेक्शन वाला वीडियो इसलिए नहीं करने वाली थी क्योंकि ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हमारे पास भी इतना मेकअप क्यों नहीं है। पर फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिखाओ वीडियो वगैरह ऐसा वगैरह, तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैंने पहले मैंने जो गलतियाँ की, मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप खरीदा, फिर उसके बाद में वो सारा एक्सपायर होते रह गया ऐसा वैसा, तो मैंने सोचा यार ये चीज़ भी तो शेयर करनी चाहिए ना, इसलिए मैंने शेयर किया कि पहले मेरे पास में कितना प्रोडक्ट्स था, कितने आई शेडोज, इतना सब कुछ लेती थी, पैसे भी वेस्ट होते थे, पर अब मैंने वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिनिमल कर दिया है। हो सकता है आपके लिए ज़्यादा हो, पर पहले के मुकाबले मैंने, और हाँ मैंने कितने बार बोला है कि अब मैं नो बाय पे हूँ, मैं काफ़ी दिनों से नो बाय पे हूँ, मैं अभी तक ये कुछ भी नहीं खरीदी हूँ मेकअप का। आपने कब से हॉल नहीं देखा है, आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख लो कि मैंने कब मेकअप का हॉल किया था, तो उतने टाइम से मैं नो बाय पे चल रही हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट्स अब बाय नहीं कर रही हूँ, मेकअप प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ, बाय बाय।